बिहार में रविवार को एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला। खास बात यह है कि ये मरीज नालंदा जिला के बिहार शरीफ प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉक्टर है। बिहार में किसी डॉक्टर के कोरोना संक्रमित होने का ये पहला मामला सामने आया है। वैसे संक्रमित डॉक्टर दुबई से लौटे कोरोना संक्रमित युवक के रिश्तेदार हैं। उधर बक्सर में भी दो नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ बिहार में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 89 हो गया है। इनमें दो की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी राहत देने वाला है। अभी तक के 42 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। बिहार शरीफ के सिविल सर्जन के अनुसार रविवार को मिले संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में आए करीब 74-75 डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों व मरीज को क्वारंटाइन किया जा रहा है। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। डॉक्टर का संक्रमण दुबई से बीते 22 मार्च को लौटे रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव युवक से लगा है। डॉक्टर 11 अप्रैल को उसके संपर्क में आए थे। संक्रमित डॉक्टर बिहार शरीफ सदर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं। यह PHC बिहार शरीफ सदर अस्पताल के प्रांगण में ही है। अभी 11 अप्रैल को संक्रमण के बाद में अभी तक डॉक्टर के संपर्क में आए तमाम लोगों का पता लगाया जा रहा है। रविवार को मिले कोरोना के नए मरीजों में बक्सर के दो मामले भी शामिल हैं। बक्सर के एक युवक व युवती को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वे आसनसोल से आए कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में थे। इसके साथ अब बक्सर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4 हो गई है। नालंदा व बक्सर में मिले ताजा मामलों के पहले शनिवार को पटना की एक 32 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली थी। पटना के खाजपुरा मोहल्ले की उस महिला का इलाज पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में चल रहा है। उसका पति ATM कैश वैन का चालक है। उसे कहाँ से संक्रमण लगा इसका पता अभी तक नहीं लगा है। इसके बाद मरीज के घर के 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर सैनिटाइज किया गया है। उसके संपर्क में आए लोगों की शिनाख्त कर जांच की प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार को भी दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। उनमें एक नालंदा के बिहार शरीफ का है। 17 साल का ये किशोर पहले मिले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का भतीजा है। इसके अलावा बेगूसराय के एक 42 साल के पुरुष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली थी। जिलावार मरीजों की बात करें तो सर्वाधिक 29 मरीज सिवान में मिले हैं। मुंगेर में 17, बेगूसराय में 9 तथा नालंदा में 8 मामले हैं। पटना में कोरोना के कुल 7 हो गए। गया में 5 मरीज मिले हैं। गोपालगंज में 3, नवादा में 3, बक्सर में 4 तथा सारण, लखीसराय, भागलपुर व वैशाली में एक एक कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।